तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HS फर्स्ट ईयर यानी कि क्लास 11 अल्टरनेटिव इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को। ये वीडियो स्पेशली एसेट बोर्ड के लिए है, क्लास 11 के लिए। इस साल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रोज से हो, चाहे वो पोएट्री से हो, चाहे वो आपका ड्रामा पार्ट हो जिसका नाम है एन इंस्पेक्टर कॉल्स। तो चलिए देर ना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो की PDF अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 से, जिसका नाम है द सूटर एंड पापा। ठीक है, द सूटर एंड पापा से क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं, देखो सबसे पहला याद रखो टोटल 11 लेसन्स है आपके इस बुक में। इस सारे ही 11 लेसन्स के जो ऑथर है, राइटर है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे द सूटर एंड पापा का राइटर का नाम क्या है, एंटोन चेकोव। तो याद रखना, तो ये बहुत जरूरी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, तो एंटोन चेकोव। मैं आंसर्स डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा है, वेयर डिड पेट्रोट्स फ्रेंड टेल हिम अबाउट हिज मैरिज। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज पेट्रोट्स फुल नेम, उसका पूरा नाम क्या आता है ना। नेक्स्ट, नास्तिया कौन थी, नास्तिया का पूरा नाम क्या है वो पढ़ना है आप लोगों को। कॉन्ट्रास्किन प्रोफेशन से क्या था, तो वो कोर्ट काउंसलर था। व्हाट डिड पेट्रोट्स फ्रेंड्स आस्क हिम फॉर, पेट्रोट्स फ्रेंड क्या उसको पूछ रहा था और क्यों पूछ रहा था। ठीक है, वो पार्टी के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो शादी करने वाला है। फिर उसके बाद, व्हाट वॉज द हॉरिबल रियल सीक्रेट डेट पेट्रोट्स कंट्रीव टू गेट रीड ऑफ कॉन्ट्रास्किन्स फैमिली। व्हाई डिड कॉन्ट्रास्किन्स फियर डेट पेट्रोट माइट बी सेंड टू साइबेरिया। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जो है ना इस साल इस चैप्टर से पढ़ के जाने चाहिए। जैसे कि, व्हाई डिड पेट्रोट से दैट ही वाज अनवर्थी ऑफ नास्तिया, हाउ डिड कॉन्ट्रास्किन रिएक्ट टू इट। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को क्या पढ़ना है इस चैप्टर से, द स्टोरी बिगिंस विद द र्यूमर डैट पेट्रोट इज अबाउट टू मैरी नास्तिया, व्हाई डज दिस र्यूमर गो अराउंड। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है। व्हाई डज डॉक्टर, जी जो डॉक्टर थे, इन्होंने क्यों रिफ्यूज़ किया हिज फ्रेंड पेट्रेट्स मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट देने से क्यों मना कर दिया डॉक्टर ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लिस्ट द वेरियस एक्सक्यूजेस डेट पेट्रेट्स यूजेस टू अवॉइड गेटिंग मैरिड। तो ये कई सारे रीजन्स हैं यहाँ पे, सारे आंसर जो है ना दे रखे, ये सारे जो है ना रीजन्स आप लोगों को पढ़ लेने हैं। उसके बाद, हु से द फॉलोइंग लाइन्स एंड वाई, वेन आर यू गोइंग टू थ्रो योर स्टेक पार्टी। ठीक है, तो ये सब सारे जो है ना क्वेश्चन आप लोगों को पहले चैप्टर जिसका नाम है सूटर एंड पापा से आप लोगों को पढ़ लेने हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है When Autumn Came। तो When Autumn Came को किसने लिखा है, फैज़ अहमद फैज़ ने। तो जैसे मैंने बताया, ऑथर का नाम आप लोगों को, राइटर का नाम याद होना ही चाहिए चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द ऑटम सीजन इज कैरेक्टराइज बाय ए फ्यू थिंग्स, व्हाट आर दे, डज द पोएट टॉक्स अबाउट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑटम ऑन द ट्रीज। उसके बाद, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड व्हेन ऑटम कम्स, व्हाई डज द पोएट इनवोक द गॉड ऑफ मे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येल्लो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री लीव्स। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं हम लोगों ने, हर चैप्टर से 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन और 3-4-5 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, एक दिन में ही आप कंप्लीट कर सकते हो अगर ये PDF आप ले लेते हो। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, व्हाट हैज द पोएट पर्सनिफाइड ऑटम एज वाई। तो सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना इस चैप्टर से। उसके बाद एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे पोएम से ना, आप लोग जो ना पोएम से आप लोग को एक्सट्रैक्ट मिलेगा। जैसे, इट शुक आउट देयर हर्ट्स द येल्लो लिप्स स्कैटर्ड देम ओवर द ग्राउंड, एनीवन कुड ट्रैम्पल देम आउट ऑफ शेप अनडिस्टर्ब बाय अ सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट से, यानी कि इस पोएम के कुछ लाइन से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे हु इज इट, हुज येल्लो हर्ट इट डिड इट शेक आउट। तो ये सब भी आप लोग को यहाँ से पढ़ने होंगे। तो वो मैंने इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोगों को, बस ये सब क्या कर लेना है, देख लेना एग्जाम्स के पहले, जाने के पहले। तो ये सब आप देखना मत भूलना इस चैप्टर से। उसके बाद चलो हम लोग चलते हैं थर्ड लेसन पे, जिसका नाम है लाइफ एंड लर्निंग। तो लाइफ एंड लर्निंग को किसने लिखा है, तो सबसे पहले देखो, वेयर वॉज जी बी शॉ बॉर्न, तो जी बी शॉ का बर्न जन्म कहाँ हुआ था। वैन डिड जी बी शॉ रिसीव नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज उन्हें कब मिला था। वाई इज क्रैमर हेल्पफुल, हु टॉट जी बी शॉ the early basics, why is the early part of the school schooling the hardest, why is the early part of schooling the hardest, why are the school achievements unimportant, why was school like a penal servitude for the Shaw, why does he call himself an ignominious, why does he say a
अबाउट रूटीन्स, सॉरी व्हाट डज ही सेज अबाउट द रूटीन्स, व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट आर नॉट टॉट एट स्कूल। तो ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है। राइट व्हाट अबाउट, राइट अबाउट द एसे ऑफ लाइफ, है ना, ऐसे ऐसे लाइफ एंड लर्निंग इन योर ओन वर्ड, यानी कि लाइफ एंड लर्निंग को अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखना है। तो इसको जो है ना प्रैक्टिस करके आप जरूर जाना। व्हाट डज शॉ सेज अबाउट गिविंग अप टू डेट आंसर्स इन एग्जामिनेशंस, व्हाट डज यू थिंक द शॉज व्यू इन एसे, डू यू एग्री विद दैम। उसके बाद व्हाई शुड वन स्पीक और सीक, व्हाई डुड वन सीक हेल्प फ्रॉम ए क्रैमर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा द क्वीन ऑफ द विलेज, द क्वीन ऑफ द विलेज से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, तो द क्वीन ऑफ विलेज को किसने लिखा है, जिम कॉर्बेट ने। विच हिल इज कॉर्बेट टॉप एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, हु इज द ऑथर ऑफ द क्वीन ऑफ द विलेज, जिम कॉर्बेट। विच बुक हैज दिस पीस बीन टेकन फ्रॉम, दिस पीस हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉर्बेट्स बुक कॉल्ड माई इंडिया। विच इज कॉर्बेट्स मोस्ट फेमस बुक, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक Corbett to reach the village after receiving their summon? How many people did the tiger kill before he was shot dead? Who governed the village after the headman's death? What does the baniya gift Corbett? What is the caste of the queen of the village? तो ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने आप लोग को इस चैप्टर से, और लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। How does Corbett describe the headman's wife? ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है। Comment on the significance of baniya shop. बनियाश का शॉप क्यों इंपॉर्टेंट था वो आप लोगों को बताना है। हाउ डज कॉर्बेट डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द हिल इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ऑन सेइंग प्लीज, हु थ्रू आउट हु फ्रॉम ए लिफ्ट, है ना, हु थ्रू आउट हु फ्रॉम ए लिफ्ट। अच्छा तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये जो पीडीएफ है ना, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो किसको लिफ्ट से फेंक दिया गया था, हु स्टेप्ड आउट द ऑथर्स शू, हु ऑफर्ड ए फ्री टिकट टू द ऑथर, कैन बैड मैनर्स बी ए लीगल ऑफेंस, वाई आर द टू वर्ड्स डेट गार्डियन स्ट्रेस्ड अपॉन, हु इज वन पनिश्ड फॉर बींग अनसिविल, नैरेट द इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट्स वगैरह के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। What victory is superior to other form of victory? What, according to the author, has had a chilling effect on our civilities? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। What is the theme of the essay? इस essay का थीम क्या है आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, What is the importance of two words, thank you and please? इनका importance तो जरूर पढ़ना है, इस चैप्टर से बहुत important है। Narrate the incident विद द बस कंडक्टर, तो बस कंडक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसको आप डिस्क्राइब करो। हाउ डज द गार्डनर, यानी कि ऑथर, कनेक्ट द ओपनिंग इंसिडेंट ऑफ द लिफ्ट मैन विद द लार्ज इश्यूज ऑफ सिविलिटी। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं। फिर हाउ हिट हैपेंड, सिक्स चैप्टर, तो हु इज पर्किन, हु वॉज पर्किन, तो पर्किन कौन था, तो पर्किन नैरेटर था। स्टैलिन कौन है, सॉरी स्टैनली कौन है। वट वॉज द नेम ऑफ द न्यू कार, न्यू कार का नाम क्या था। What was the name of the hill that we find in the story? How fast the car traveling when it crashed? उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है, What do you think the narrator wanted to drive the car? You know why? Sorry, why do you think that the narrator wanted to drive the car? What does it show? उसके बाद describe the manner of the narrator's death. तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये दो तीन क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने इस चैप्टर से। Comment on the moment of realization that draws on the narrator's about Stanley. Describe the new car as seen by the narrator. Next chapter, जिसका नाम है हमारा The Captive. तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन ही पढ़ना, Who is the author of the story? तो जो captive का author कौन है, तो ये हरे कृष्ण डे का इज द ऑथर। किसने, Who is the translator? Translator कौन है। Who is Captain Batra? Who was the captive? Who dies at the end? उसके बाद What pills did the youth give? How does he take care of the captive during his fever? Where is the story set? What is the story about? तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को इस चैप्टर से पढ़ना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन से पढ़ना है। कॉमेंट ऑन द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का क्लाइमेक्स है उसके ऊपर आप लोगों को लिखना है। कॉमेंट ऑन द विलेजर्स हॉस्पिटलिटी, विलेजर्स के हॉस्पिटलिटी के बारे में भी लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। वट डज द कैप्टिव रिफ्लेक्ट अपॉन, तो कैप्टिव क्या रिफ्लेक्ट करवाता है, तो वो बताना है आप लोगों को। तो ये दो तीन क्वेश्चंस हैं,
देखो लॉन्ग क्वेश्चन हमने बहुत लिमिटेड रखे हैं, 2 या 3, और शॉर्ट क्वेश्चन में है 6 या 7 इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द केज्ड बर्ड। केज्ड बर्ड, तो यहाँ से द फ्री बर्ड लिव ऑन द बैक ऑफ व्हाट, व्हाट डज द फ्री बर्ड डेयर टू क्लेम, वेयर डज द फ्री बर्ड डिप्स हिज विंग्स, हाउ डज द केज्ड बर्ड सिंग्स, व्हाट डज द केज्ड बर्ड सिंग ऑफ। तो इस तरीके के जो ना शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर से पढ़ लेने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ना है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द केज्ड बर्ड। उसके बाद वही एक्सट्रैक्ट होंगे आपके पोएम से, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर कुछ लाइंस दिए जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इनको भी जो ना आप लोग कंप्लीट करके जाना इस चैप्टर से। उसके बाद हाउ आर द केज बर्ड्स एंड द फ्री बर्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग से शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, वेयर इज द पोएट टू बी फाउंड इन द पोएम, व्हाट डज ही हियर, Why does the poet feel sad surrounded by beautiful nature on a pleasant spring morning? What does the poet say is linked to the fair works of nature? What does the poet think about the flowers? What was around the speaker while he sat reclined? तो ये सब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ना आप लोगों को what do you understand by the lines what man has made of man? उसके बाद हाउ इज़ द हारमोनी इन नेचर डिस्क्राइब बाई वर्ड्सवर्थ, what do you अंडरस्टैंड बाई द 1000 ब्लेंडेड नोट्स। उसके बाद वही एक्सट्रैक्ट होंगे, उसको पढ़ के आप लोगों को आंसर्स लिखना होगा। तो ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आपको इस चैप्टर से पढ़ लेनी चाहिए। अगर ये आंसर चाहिए तो PDF के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा, छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके। नेक्स्ट नंबर 10 लेसन द डिवाइन इमेज से आप लोगों को पढ़ना है, व्हाट आर द 4 वर्चूज ऑफ डिलाइट, जो कि मर्सी, पीटी, पीस और लव है। व्हाट डज द 4 वर्चूज ऑफ डिलाइट रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है, व्हाट डज द ह्यूमन हर्ट सिंबलाइज, वेयर डू यू फाइंड पीटी, व्हाट इज पीस अकॉर्डिंग टू पोएट, व्हाट डज द ह्यूमन बॉडी सिंबलाइज। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है, राइट द थीमेटिक गिस्ट ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, हाउ डज द पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, What do the 4 virtues symbolize? What is their connection to the phases, the human form, divine? उसके बाद लास्ट जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द लाइट ऑफ द 3 अदर डेज, द लाइट ऑफ द अदर डेज से आप लोगों को पढ़ना है, हाउ हैज द पोएट पोर्ट्रेट द थीम ऑफ फ्रेंडशिप इन द पोएम, इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब द इमोशंस ऑफ द पोएट रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है, कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी इन द पोएम, What does the poet, what does the image of the empty banquet hall signifies? How does the poet uses the imagery of the falling leaves? Sad memories bring the light of the other days around me. What do you understand by these lines? What do other days reflect to? तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ना है। What theme do you find in the first stanza of the poem? The tone of the poem is mournful and it is most evident in the second stanza. Do you agree? Explain. और एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमेंट इन योर ओन वर्ड्स ऑन हाउ द थीम ऑफ फ्रेंडशिप हैज़ बीन पोर्ट्रेटेड इन द पोएम। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर से पढ़नी चाहिए। अब लास्ट जो ड्रामा हमारा है एन इंस्पेक्टर कॉल्स, इसमें से आप लोगों को क्या पढ़ना है, वेयर इज द प्ले सेट, प्ले कहाँ सेट किया गया है, वट वॉज द इंस्पेक्टर्स नेम, इंस्पेक्टर का नाम क्या है, On what occasion in the is the family dining at the beginning of the play? Whom does the inspector question first? Whom does the inspector not question? What did the Ewok consume? What did Ewok consume? Who was Daisy Renton? Daisy Renton कौन थी? Who is Geralt Koft? ये सब short questions हैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं, और very short question। अब ये short questions हैं, What does Geralt gift Sheila? How does she react? How does Sheila tease Geralt about? उसके बाद व्हाट डज ऑथर से इन हिज स्पीच, व्हाट डज ऑथर टू गेराल्ट आफ्टर डिनर। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ के जाने चाहिए शॉर्ट, और ये सब सारे लॉन्ग, जैसे कि कमेंट ऑन हाउ वी असेस द डिफरेंट कैरेक्टर्स थ्रू देयर ट्रीटमेंट ऑन ईवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मिस्टर एंड मिसेस बिल्डिंग रिस्पॉन्ड टू द इंस्पेक्टर्स क्वेश्चनिंग। उसके बाद नरेट द इवेंट सराउंडिंग एरिक्स कन्फेशन।
नेरेट सिविल बिल्डिंग्स क्वेश्चंस बाय द इंस्पेक्टर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इंस्पेक्टर्स अराइवल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये सब क्वेश्चंस अगर पढ़ के चले जाते हो तो आई होप कि आपको जो ना आपका एग्जाम जो ना इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर ये लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप लोग ये ले सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।